पूनम जी, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। पूनम जी, आपने जितनी बात मुझे बताई है उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि इसके पीछे किसी बहुत पहुंचे हुए आदमी का हाथ है। हाँ काश जी, यही बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। कौन हो सकता है जिसने सरकारी जमीन को हड़पने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? ये का काम तो ये हो नहीं सकता। जरूर किसी बहुत ही पावरफुल इंसान ने उससे अपना मोहरा बनाया। हमें पूरा यकीन है आकाश जी, उस सरकारी जमीन को हड़पने के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है। हमारे यहाँ चाय पानी पीने से कोई एतराज है क्या मैडम आपको? ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर लीजिए ना। नहीं नहीं, ये सब रहने दीजिए। दरअसल मंत्री जी से मिलना बहुत ही जरूरी है। उस स्कूल लैंड के सिलसिले में हमें उनसे कुछ बात करनी है। जरा आप फोन कीजिए ना, पूछिए उन्हें कितना वक्त लगेगा। देखिए, हालांकि मैं काफी देर से उनका फोन ट्राई कर रहा था लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। और सर जब ऑफिस से जाते हैं तो हमें ये बताकर नहीं जाते कि वो कब तक लौटेंगे। हो सकता है अभी आ जाएं और हो सकता है कि रात तक भी ना लौटे। देखिए मैडम, हम तो ठहरे सिफुन के पिए। कार्य संबंधित लेखा जोखा करना, वक्त पर उन्हें चीजें याद दिलाना, यही हमारा काम है। लेकिन उनसे कोई सवाल करना, ये हमें अलाउड नहीं है मैडम। पर उस लैंड के बारे में आपको कुछ तो पता होगा। वैसे जब वो स्कूल लैंड अलॉट हुई थी तब तक शायद मंत्री जी पावर में आ गए थे और आप ही उनके पिए। कुछ तो पता होगा आपको, वो लैंड कौन सी थी, स्कूल उस लैंड पर क्यों नहीं बन पाया, कहाँ गई वो लैंड, और आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो स्कूल अलॉटेड लैंड पर नहीं बनकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड पर बन गई। देखिए मैडम, उस साल अलग अलग पर्पज से बहुत सारी जमीनें लौट की गई थी। अब किस जमीन पर क्या बना, क्या हुआ किस जमीन का, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये करप्शन ही तो है समस्या की जड़, और इसे हमें जड़ से निकालना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, इस भ्रष्टाचार ने हमारे देश को खोखला कर दिया। बातों से ऐसा तो नहीं लगता कि ये इस जमीन घोटाले में शामिल होगा, लेकिन अगर ये भी नहीं तो फिर कौन? अच्छा, अब हमें निकलना होगा। मंत्री जी से हम बाद में बात कर लेंगे, अब हम चलते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। शुक्रिया कैसे मैडम, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े प्लीज मुझे याद कीजिएगा। आप चिंता मत कीजिएगा, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, आपको फाइल मिल जाएगी। फाइल? फाइल के बारे में तो हमने कोई भी बात नहीं की यहाँ। थैंक यू सो मच पीएस साहब। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, उस जमीन के घोटाले में वो पीए भी शामिल है। पूनम जी, उसकी बातों से ऐसा तो नहीं लगता। विद्या जी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो याद कीजिए, उस पीए से हमारी बातचीत के दौरान फाइल के बारे में तो हमने कुछ भी नहीं कहा था। जरूरत से ज्यादा शराफत दिखाने के चक्कर में पीए ने वो गलती करी थी, इसका पता लगाने हम आए थे। आपने खुद के मुँह से कह दिया कि वो फाइल जल्द ही हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो चपरासी ने जो फाइल बेंच पे रखी थी वो इसी पीए के बच्चे ने उठवाई। हाँ, अब बस ये पता करना है कि पीए ये सब किसके कहने पर कर रहा है और क्यों। लेकिन पूनम जी, वो हम कैसे पता करेंगे? हमें तलाशी लेनी होगी उसके घर की और उसके ऑफिस की। लेकिन पूनम जी, अगर उस पीए ने वो फाइल किसी और को पहले से ही दे दी होगी तो इस तलाशी कर लेने से क्या फायदा?
आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ वो फाइल ढूंढना नहीं, हमें ये पता लगाना है कि आखिर ये सब कौन करवा रहा है। उस जमीन का उन लोगों ने किया क्या, कहाँ गई वो जमीन, इस सब के पीछे मकसद क्या है। और हमें पूरा यकीन कि जो गड़बड़ उस पीए ने की उसका एहसास तो उसे हो ही गया होगा, और अब उस गलती को छुपाने के लिए वो दूसरी गलती करेगा, और हमें बस इंतजार करना है उसकी दूसरी गलती का। पूनम जी, कहीं उसके बैग में वो फाइल तो नहीं है? हो सकता है, चलिए पीछा करते हैं, देखते कि वो कहाँ जा रहा है। अरे वो तो अंदर जा रहा है, अब क्या करें? हाँ पूनम जी, यहीं रहकर उसके बाहर आने का इंतजार करना होगा। हमें पूरा यकीन है कोई ना कोई गड़बड़ ये जरूर करेगा। आपने देखा ना कितनी हड़बड़ी में वो अंदर गया और टेंशन में भी था। ए, आ गया। ये अच्छा मौका है, हम लोग दो टीम बना लेते हैं। हम विद्या जी के साथ इसका पीछा करते हैं, और उसी दौरान आप अंबिका जी के साथ घर के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। हाँ। किसी तरह बस अंदर चले जाइए और घर की तलाशी लीजिए। जब तक आप यहाँ फाइल ढूंढेंगे तब तक हम उसका पीछा करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। ठीक है पूनम जी, ये सही रहेगा। हाँ। है ना विद्या जी, चलिए। ड्राइवर एसी बढ़ा दो। सत्यानाश अंबिका बेन, क्या हुआ? अरे इस मोबाइल को तो मूंगा करना रह ही गया। मूंगा? मूंगा मतलब साइलेंट। पारुल बहन तुम भी ना, ये अगर मोबाइल बज गया ना तो हमें गरबा और डांडिया दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी करो। किया? हाँ? जो अंबिका बहन जो, अरे वो एक खिड़की हमारे लिए खुली रखी है, चलो हम उधर उस खिड़की से चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ पारुल बहन, चलो धीमे धीमे चलना। हटिया हटिया देखते हैं, आप इधर आ जाओ, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ आप अंदर जाके ऊपर से खिड़की खोलो। हाँ। ताकि मैं अंदर आ सकूँ। है जाओ। सत्यानाश अंबिका बेन, क्या हुआ? सुविधा का उपयोग करो ना, क्यों इतनी मेहनत करते हो? अंदर जाके वैसे भी हमें बहुत मेहनत करनी है। चलो 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 चढ़ो धीरे धीरे। हाँ गिर मत जाना। अरे धीरे धीरे। अरुण बहन अब आप आइए, आप अंदर गए मैं तो आसानी से अंदर आ जाऊंगी। हैं अब आप खाली मोबाइल पकड़ लो। लाइए लाइए। हाँ रुको मैं आती हूँ। हाँ हाथ धोने अंबिका बहन, देख क्या रहे हो। लाइए। हाँ ये हुई ना बात। अभी रुको, अभी अंदर आती हूँ। हाँ
अरे पर मैं अंदर नहीं आ पा रही हूँ। सत्यानाश हो, इस खिड़की का कितनी छोटी बनाई है इस खिड़की को। अरे कैसे अंदर आऊं? मोहन जी, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। आई थिंक उन्हें फोन करके बड़ा और इत्तला कर देना चाहिए। मेरा मोबाइल कहाँ गया? ओह नो, लगता है जल्दी जल्दी मैं घर पर ही भूल गया। और ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ और घर वापस लो। यूटर ले लो जल्दी। कोई नहीं है, आ जाओ अम्मी कैबिन अंदर। और फिर वो दरवाजा तो बंद कर ले। अम्मी कैबिन, श्री गणेश का नाम लेकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। हाँ जाओ जल्दी। अरे जाओ ने, विचार शो शू। ये तो अपने घर की तरफ वापस जा रहा है। हाँ पारुल बहन, हमें उनको फोन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। जल्दी पूनम जी। अरे कुछ मिला? कुछ नहीं मिल रहा। पारुल बहन फोन ही नहीं उठा रही। नहीं उठा रही है। अंबिका जी को फोन करते हैं। नहीं, अंबिका जी भी फोन नहीं उठा रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।